नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रही हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। प्यासे दिल्ली पर गरमाई राजनीति, हिमाचल बोला हम नहीं कर रहे विरोध, दे रहे पूरा पानी। हरियाणा ने किया इनकार। दिल्ली में जल संकट गंभीर हो गया है, पानी के मामले पर कानूनी लड़ाई तेज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को आदेश दिया कि वो तत्काल प्रभाव से 137 क्यूसेक पानी हरियाणा को दे, जो पानी दिल्ली में छोड़ा जाएगा। ऐसे प्यासी दिल्ली को राहत मिलेगी। हिमाचल सरकार का कहना है कि दिल्ली को पानी देने के लिए हमारा ना तो पहले विरोध था और ना ही आगे है। नदी में जितना पानी है बेरोक टोक उसे छोड़ा जा रहा है। बड़ा सवाल ये है कि जब हिमाचल पानी छोड़ रहा है तो ये पानी जा कहां रहा है। ये अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है। कानून ही इसके ऊपर से पर्दा हटाएगा। उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए बिजली विभाग ने किया बदलाव, बिल से जुड़ी ये समस्या हो गई हल। इस महीने से बिजली बोर्ड की ओर से बिजली के बिलों पर हिंदी में जानकारी दी जा रही है। अब सभी उपभोक्ताओं को हिंदी में बिजली के बिल पढ़ने को मिल सकेंगे। बता दें कि बिजली बोर्ड की ओर से ये सुविधा इस माह से पूरे हिमाचल प्रदेश में कर दी गई। अब हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम से बिल की जानकारी ले सकते हैं। भरवाई उपमंडल के बिजली बोर्ड के अधीन 9596 उपभोक्ताओं को बिल दिए जाते हैं। बिजली बोर्ड के द्वारा सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हुए ऐसा पहली बार किया गया है। सीएम सुक्कू के हस्तक्षेप के बाद मंत्री गोमा और धर्माणी को मिली सरकारी कोठियां। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्कू के हस्तक्षेप के बाद आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा और टीसीपी मंत्री राजेश धर्माणी को सरकारी कोठियां आवंटित कर दी गयी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया अपने आवास में जाएंगे, उनकी कोठी यादविंद्र गोमा को दी गई। पूर्व में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के प्रधान सचिव की कोठी राजेश धर्माणी को दी गई। खेड़ा प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली चले गए हैं। दरअसल 5.5 महीने से दोनों मंत्रियों को कोठियां आवंटित नहीं हुई थी। मुख्यमंत्री के ध्यान में मामला आने के बाद आवंटन कर दिया गया। शिमला, चंबा, सिरमौर, मंडी और कुल्लू में स्थापित होंगी एनडीआरएफ की छोटी टुकड़ियां। हिमाचल प्रदेश के शिमला, चंबा, सिरमौर, मंडी और कुल्लू में इस बार एनडीआरएफ की छोटी टुकड़ियां स्थापित की जाएंगी। ये निर्णय वीरवार को शिमला में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में प्रदेश में आगामी मॉनसून सीजन की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में लिया गया। बैठक में एनडीआरएफ की छोटी टुकड़ियां स्थापित करने के लिए उपायुक्तों को स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि नदी किनारे रह रहे प्रवासी मजदूरों को अन्य स्थानों पर बसाया जाए ताकि जान माल की हानि न हो। लापता हेड कांस्टेबल के परिजनों का डीसीएसपी ऑफिस के बाहर हंगामा। पत्नी बोली, सुक्खू जी ढूंढ कर ला दीजिए मेरा पति। सिरमौर पुलिस के हेड कांस्टेबल जसवीर सैनी के लापता होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मंगलवार रात से हेड कांस्टेबल का कुछ पता नहीं चल पाया। इसके चलते गुस्साए परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर वीरवार को डीसी और एसपी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर दिया। यहां तक कि एसपी सिरमौर के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। साथ ही जिले के एडीएम एलआर वर्मा के समक्ष भी परिजनों सहित ग्रामीणों ने पुलिस कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कटघरे में खाकी को खड़ा कर दिया। टांडा मेडिकल कॉलेज के स्टाफ को रैगिंग रोकने के लिए जल्द मिलेगी एक्शन लेने की शक्तियां। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में हाल ही में छात्रों के साथ हुए रैगिंग मामले के बाद अब कॉलेज प्रशासन रैगिंग को लेकर और सख्ती कॉलेज में बरतने जा रहा है। कॉलेज प्रशासन जल्द ही नेशनल मेडिकल कमीशन की गाइडलाइन के अनुसार टांडा मेडिकल कॉलेज के सभी डॉक्टर्स के साथ साथ कर्मचारियों को रैगिंग के मामलों पर एक्शन लेने के लिए अधिकृत करने जा रहा है। प्रशासन की माने तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रैगिंग के मामले मेडिकल कॉलेज में 2 सालों में 2 मामले आने के बाद ये फैसला लिया गया। प्रशासन ये भी सुनिश्चित करने जा रहा है कि यदि कोई भी कॉलेज का छात्र परिसर में शराब पीता पाया गया या बाहर से शराब पीकर कॉलेज परिसर में पाया जाता है तो उसे तुरंत प्रभाव से कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाए। मेधा प्रोत्साहन योजना के लिए 23 जून तक करें आवेदन। उच्च शिक्षा विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए शैक्षणिक सत्र 2023-24 के आधार पर मेधा प्रोत्साहन योजना के तहत 23 जून 2024 तक मेधावी विद्यार्थियों से आवेदन मांगे हैं। निदेशक उच्चतम शिक्षा डॉ. अमरजीत शर्मा ने यहां बताया कि प्रदेश व प्रदेश के बाहर के पात्र संस्थानों से CLAT
एनडीए व यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, नीट, आईआईटी, जेई, एएफएमसी, बैंकिंग और इंश्योरेंस व रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए अधिकतम 1,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि 12वीं स्तर के 280 अभ्यर्थियों और स्नातक स्तर के 120 अभ्यर्थियों का इस योजना के तहत मेरिट के आधार पर चयन किया जाए। हिमाचल प्रदेश के बद्दी बरोचीवाला में निकेल और क्रोमियम जैसी औद्योगिक धातुओं की वजह से बड़ा कैंसर, भूजल में जस्ता, सीसा, कोबाल्ट भी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंजी और आईआईटी जम्मू के शोधकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश के बद्दी बरोचीवाला बीबी औद्योगिक क्षेत्र के भूजल में कैंसर पैदा करने वाले प्रदूषकों तत्वों के प्रसार का विश्लेषण किया, जिसमें उन्होंने पाया कि इस इलाके के भूजल में ऐसे प्रदूषित रसायन हैं जो कैंसर का कारण बन सकते हैं। भारत में खेती और पीने के लिए ज्यादातर जमीन के नीचे के पानी यानी भूजल का इस्तेमाल होता है, लेकिन तेजी से शहर बढ़ने, कारखाने लगने और आबादी बढ़ने की वजह से भूजल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो गया है, जिससे पानी की गुणवत्ता खराब हो रही। बागवानों ने बेचा सेब, बदले में हिमफेड से मिल रहा सीमेंट। हिमाचल के हजारों सेब बागवानों को प्रदेश सरकार हिमफेड के माध्यम से खाद, कीटनाशकों और पैसों के भुगतान के बदले सीमेंट ले जाने का विकल्प दे रही है। बताया जा रहा है कि अकेले हिमाचल में हजारों बागवानों को हिमफेड के करीब 46 करोड़ रुपए की देनदारी है। सरकार ने अभी हिमफेड को 11 करोड़ रुपए का बजट जारी किया, लेकिन हिमफेड की उपकरणों समेत अन्य देनदारियां खड़ी हैं। मृत व्यक्ति के खाते से निकाले 2,00,000, बैंक के 2 अधिकारियों पर राशि हड़पने का आरोप। शिमला के मॉल रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया के 2 अधिकारियों के द्वारा एक मरे हुए व्यक्ति के निष्क्रिय खाते को सक्रिय कर 2,00,000 रुपए से अधिक की राशि को हड़पने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि बैंक प्रबंधक और विशेष सहायक ने आपसी मिलीभगत से एक मृतक व्यक्ति के खाता धारक के निष्क्रिय खाते को सक्रिय कर 2,00,000 रुपए से अधिक की राशि हड़प ली। 1 साल से पुरानी पेंशन बहाली के इंतजार में बिजली बोर्ड के 6,121 कर्मचारी, सीएम सुक्खू से मांगा जवाब। राज्य बिजली बोर्ड के 6,121 कर्मचारियों का पुरानी पेंशन बहाली के लिए इंतजार बढ़ता जा रहा है। बीते 1 साल से बोर्ड में ओपीएस बहाली न होने से कर्मचारियों में भारी रोष पनप रहा है। गुरुवार को इस बाबत बोर्ड के कर्मचारी यूनियन ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर पुरानी पेंशन को बोर्ड में बहाल करने की मांग उठाई। प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल, मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो गई, अपराधियों का हर तरफ बोलबाला नजर आ रहा है, एक के बाद एक जघन्य हत्याकांड हो रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने में लगे हुए हैं। ये कंपनी भरने जा रही मशीन ऑपरेटर ट्रेनिंग के 30 पद, 15 जून को मंडी के गौहर में होगा इंटरव्यू। वीएमटी शिपिंग्स मिल्स वर्धमान टेक्सलाइट लिमिटेड की एक इकाई बद्दी जिला सोलन ने डॉफर और बाइंडर ट्रेनी मशीन ऑपरेटर के 15 पद पुरुष और 15 पद महिलाओं के अधिसूचित किए हैं। इन पदों के लिए साक्षात्कार कल 15 जून को सुबह 11 बजे उपरोजगार कार्यालय गोहर में लिया जाएगा। जंगल में लगी आग की चपेट में आई 75 वर्षीय महिला, जलकर हुई मौत। जंगलों की आग अब मौत बनकर सामने आ रही है। भीषण गर्मी में इन जंगलों में लगी आग मुसीबत का कारण तो बनी ही थी, लेकिन अब मौत का भी सबब बनती जा रही है। पुलिस थाना सदर हमीरपुर के तहत एक 75 वर्षीय महिला की जंगल की आग में झुलसने से जिंदा जलकर मौत हो गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें, हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।